डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साई प्रभो, नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से साईं वाणी को लगातार पूरे विश्व से लोग सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये क्रांति, साई ध्यान और साई क्रिया की क्रांति, इससे अपने जीवन में अपने मन को ही अपने शरीर को ही मंदिर बनाते हुए इस मंदिर के साथ हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए हमें जिस पाथ पर चुनने के लिए हमने तय किया और उस साई वाणी का पाथ हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें पाने के लिए और हमारे जीवन को सिद्धता करने के लिए समय समय पर हमें मदद कर रहा है। मैं बड़े विश्वास और महत्वपूर्णता के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प है, ये दृढ़ता है, ये मानवता है, ये विश्वास है और इसी के कारण हमें हमारे जीवन से कुछ सीखना चाहिए। और जब हम इस मानव योनि में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो हमें जरूर हमारा कार्य को, हमारे लक्ष्य को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे कर्म को सिद्ध करना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसी बातें होती है कि कर्म को सिद्ध करना चाहिए, कौन सा कर्म होना चाहिए। बहुत बार ऐसी चीज़ें आई है हमारे जीवन में, हमारे सामने भी आई है, हमने देखा है बहुत नज़दीक से कि कुछ लोग बहुत ऐश आराम करते हैं, गलत मार्ग से चलते हैं, फिर भी लोग कहते हैं उनके घर में खुशी होती है, और कुछ सत्य के मार्ग पर चलते हैं, साधु संत होते हैं, उनके घर में चोरी होती है। ऐसा क्यों? मैं जैसे कि कहा आपको कि हमें किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे अंदर देखना चाहिए, हमारे अंदर झांकना चाहिए और हमारे जीवन को अच्छी प्रगति के तौर पर लेके जाना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुहावरे भी हमने सुने हैं। मैं आज आपको बहुत बड़े लेवल पे प्रारब्ध कर्म क्या होता है, जब संचित कर्म पूरी तरह से फल जाता है, पूरी तरह से पक जाता है, तो प्रारब्ध कर्म हमारे नसीब में आता है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, क्रियामान कर्म करने से ही जो हमारे जीवन में हमें गति मिलती है, हमारा पुरुषार्थ होता है। हर एक इंसान का पुरुषार्थ है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, उनका पुरुषार्थ होना चाहिए, उनके जीवन का कार्य होना चाहिए। खाना पीना रहना सोना तो सब करते हैं, जानवर भी करते हैं, इसमें भी इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? फर्क है, फर्क पुरुषार्थ में है, फर्क अपने कार्य में है। और इसी कार्य करने के लिए जो तीन प्रकार के इंसान जहाँ इस धरती पर है उसमें रजोगुणी है, तमोगुणी है और सतोगुणी है। मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको कहना चाहूँगा, जो सतोगुणी लोग होते हैं, मान लीजिए वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है तो लोग कहेंगे मैं पहले कर्म करूंगा और बाद में फल मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी चलेगा, मैं मेरे कर्म के प्रति सजग रहूंगा। रजोगुणी कहेंगे मैं कर्म जरूर करूंगा लेकिन मुझे फल तुरंत चाहिए। और तमोगुणी कहेंगे मुझे फल पहले दे दो फिर मैं कर्म करूंगा। ये फर्क है, हर एक इंसान में फर्क है।
आप देखो कई कई आप जगह पे जाते हो तो लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन लोग देने के लिए तैयार नहीं होते। खासकर ऐसे कुछ पेशा है, कुछ व्यवहार है, कुछ व्यापार है, कुछ उद्यम है, कुछ रोजगार की क्षमता रखने वाले लोग हैं कि जो अलग अलग प्रकार के हैं। तो फिर आप कहोगे कि सुनील जी कैसे होना चाहिए, कौन सा सबसे तमोगुणी इंसान अच्छा है, रजोगुणी ऐसा है या सतोगुणी अच्छा है, कौन सा अच्छा है। देखो प्रकृति के नियम से अगर देखा जाए तो हर एक का एक प्रमाण होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है और किसी पेशेंट के पास पैसे ही नहीं है, गरीब है बेचारा, तो उसने उस समय उसकी दवा पट्टी करनी चाहिए, नहीं तो बेचारा वो मर जाएगा। अगर वो पैसे के लिए रुक गया तो फिर वो उसकी जान भी चली जा सकती है। लेकिन उसके बाद उस पेशेंट ने भी जितना हो उतना हो सके उतना डॉक्टर का फीस देने का प्रयास करना चाहिए। दोनों तरफ से तालियां एक तरफ से नहीं बजती। इस बात के लिए मैं कहूंगा त्वम तथा कृपया विष्टम त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशनम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन बहुत बार मधु नाम के जैसे राक्षस का वध भगवान कृष्ण ने किया और अर्जुन जब थक गया उसने कहा मेरे सामने मेरे सब मेरे गुरु मेरे भाई मेरे चचेरे भाई मेरे सब बड़े भाई मेरे सौतेले भाई है, मैं क्यों लड़ू और लड़के भी मैं किसको दिखाऊ। पुरुषार्थ खो गया अर्जुन और कहा हे भगवान आपने मधु नाम के जैसे राक्षस को मारा था उस प्रकार इनको भी आप नाय नष्ट कर दीजिए, क्यों मुझे लड़ने को प्रवृत्त कर रहे हो। जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कर्म करने के लिए पीछे हटते हैं। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप आलसी बनो, कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप कुछ मत करो। इतना जरूर है कि जो नसीब में है वो मिलेगा लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। कभी कभी कोई मान लीजिए कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, बहुत उसका प्यारा सा नौकर है, बहुत प्रसन्न है मुख्यमंत्री साहब उस नौकर के ऊपर, वो खाना बनाता है, साफ सफाई करता है, समय समय पे काम करता है, ईमानदार है, लेकिन उसको कलेक्टर नहीं बना सकते। जैसे मुख्यमंत्री का प्रसन्न होने के बावजूद भी अपने नौकर को कलेक्टर नहीं बना सकते, उसी प्रकार जिसके प्रारब्ध में वो चीज है ही नहीं वो कितना भी कोशिश करेगा उसको मिलेगी नहीं। याद रखना इस बात को मैं तहन, लेकिन इसका मतलब उसने कुछ करना नहीं क्या। उसने उसकी जो क्षमता है उसके परे रह के उसने काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि 12 महीने भी अगर बारिश हो जाएगी बसंत ऋतु में, 12 महीने भी अगर बारिश हो जाएगी या बसंत ऋतु में हर पेड़ को पत्ते आते लेकिन केरड़ा के पेड़ को फूल और पत्ते नहीं आते। पलस नाम का एक पेड़ होता है उसको 3 ही पत्ते होते हैं, कितना भी बारिश आएगा कितना भी धूप आएगा उसको 3 ही पत्ते आएंगे हर पौधे को, हर उसके एक डाली को। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में प्रारब्ध को बदल नहीं सकते लेकिन उसकी तीव्रता उसका घनता उसका प्रकार और उसमें जो अपने को मिला है उसमें आप बेस्टतम कर सकते हो, अच्छातम कर सकते हो। यह बात परीक्षा में कोई लड़का कहता है कि फिर क्यों पढ़ाई करनी है अगर प्रारब्ध में नहीं है तो, नहीं ऐसा नहीं है, आलस नहीं है। लोग अपने हिसाब से सब कुछ रास्ते निकालते हैं। मैं तो इन सबसे आज कहना चाहूंगा ये कर्म का सिद्धांत सिखाते सिखाते मुझे बहुत विश्वास के साथ आपको कहना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो नशा करते हैं वो बिल्कुल गलत है क्योंकि अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, मंदिर को खराब कर रहे हैं। तीसरा जो है जो आलसी है, आपको पता है आलस एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी है, एडिक्शन है वो एक प्रकार का। लोगों को आलस 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 से पूरी तरह से आलसी बन जाते हैं और जीवन कहता है आप मेरे समय, एक बात याद रखना अगर आप समय का कदर नहीं करोगे ना तो एक बार समय भी सोचता है कि इसका समय भी कदर नहीं करता है और फिर आप ऐसी ही जिंदगी गवा देते हो। चौथा सबसे महत्वपूर्ण, उसको आप शांति से समझ लेगा, कर्म के सिद्धांत से ही जुड़ा है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे संकल्प का धन चाहिए। तो आप कहोगे सुनील जी आप तो कहते हो कि कर्म में कुछ हमारे नसीब में ही नहीं तो मैं कितना भी दौड़ू तो क्या होगा। भले वहां तक नहीं पहुंच जाओगे लेकिन जो करना चाहते हो उसके नजदीक तो जाओगे, कुछ बहुत सारी चीजें पाओगे। कभी कभी हमारे जीवन में हमें 100 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए कमाने होते और मेहनत करते पर हम 50 करोड़ तक पहुंच जाते। अरे 50 तो कमाए, अगर सिर्फ कर्म के फल पे बैठता तो 1 रुपया ही तेरे पास होता, जीवन में तू कहीं तक पहुंचता भी नहीं। भले 100 नहीं कमा पाएगा लेकिन 50 तक तो जाएगा कि नहीं जाएगा।
उसी प्रकार जीवन में कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल भी अवेयर होकर अपने कार्य से जुड़ना चाहिए। और इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेशनम, त्वम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेशनम विशिदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन, इस प्रकार अर्जुन ने कहा भगवान मुझसे क्यों कर्म करवा रहे हो, तो भगवान ने कहा हे अर्जुन तूने अगर जन्म लिया है इस धरती पर, तू इंसान के तौर पर आया है, तो तुझे तेरे शरीर से कर्म करने पड़ेंगे, उसके बगैर तेरे शरीर को छुटकारा नहीं मिलेगा। चाहे फिर कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, तेरे बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का बेटा भी उसमें मरने वाला था, क्योंकि द्रौपदी ने जब पूछा था भगवान कृष्ण को तो भगवान कृष्ण ने शुरू में ही बताया था 5 पांडव छोड़ के सब मर जाएंगे, पुत्र का भी विरह था उसमें, वो भी दुख था अर्जुन को, लेकिन उसको लड़ना था, उसको कर्म करना था। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में आते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे दुख उनके जीवन में आते हैं, लेकिन वो डट के अगर हार गए उस जगह पे बैठ गए तो वो वैसे ही जीते जी मर जाएंगे। अपने को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए, और आज का कर्म का सिद्धांत ये कह रहा है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। साईं बाबा ने अपने भक्तों को क्या दिया, साईं बाबा ने भक्तों को कहा कर्म है कर्म, उसको करते चलना, और तेरा पुरुषार्थ को तू सिद्ध करते करते चलना। हर इंसान को पुरुषार्थ करना चाहिए, हर आदमी को जिंदगी में अपना कार्य को आगे लेके चलना चाहिए, और इसीलिए ध्यान करना चाहिए। मैं साई क्रिया का ये जो प्राणायाम की शक्ति है उसके प्रति मैं एक ही बात सजगता से कहूं, आप उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन में जहां पहुंच नहीं सकते हो, और उसके लिए आपको सबसे पहले करना है प्राण शक्ति को बढ़ाना है। और प्राण शक्ति कब बढ़ेगी, जब उसका प्रयास किया जाएगा तब। रोजमर्रा की जिंदगी में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम तो सांस लेती है, आप कहोगे सांस की क्या जरूरत है, सेम उसी प्रकार कर्म के सिद्धांत की तरह, अगर खाना है पीना है रहना है तो वैसे भी जीने वाले, तो फिर क्या कहीं से लेके क्यों जिए, अगर पास ही नहीं होने वाले तो क्यों पढ़ाई करे। अरे तू उठ के डट के पढ़ाई तो कर, नहीं पहला आएगा तो कम से कम 40% तो मिल जाएंगे। हमारे जीवन में यही तो 12 महीने भी अगर कभी कभी बारिश होती है तो भी कुछ कुछ लोग ऐसे है ना सूखे के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए भी पुरुषार्थ लगता है। और हर एक इंसान को आज तय करना चाहिए, जब तक हम हमारा पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं करते उस समय आपके जीवन का कोई भी सार्थक नहीं होगा। कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए गीता में कहा है कि आप कर्म करते चलो, फल की अपेक्षा मत करो। भाई और बहनों, इसी विचारधारा को कहते हैं जीवन, और इस जीवन में संचित कर्म इकट्ठा करते 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 जाओ, प्रारब्ध कर्म आपको फल के रूप में मिलेगा। आज करो, कल फल पक्का मिलने वाला है। जो बोगे जो आज है आपका, उसके ऊपर आपका कल निर्भर है, जो आज आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर है। इसलिए आज से जीवन में कार्य करो, और 5 जो मैंने कहा जो 5 गलतियां है उसको बिल्कुल भी बुरी आदतें मत करना। ओजस्वी और तेजस्वी इंसान बनना है, शक्तिशाली और कार्यशाली इंसान बनना है, तो आपको ना बुरा देखना है, ना बुरा पढ़ना है, ना बुरा सोचना है, ना गलत आदतें को इस बच्चों, खासकर मैं 14 से 20 के बच्चों को कहना चाहूंगा, गलत आदतों के लिए आप पीछे मत भागना, क्योंकि ये आपके जीवन को नष्ट कर देती है आदतें। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन में अपने कार्य को पुरुषार्थ के तौर पर कर्म के साथ जोड़ के आगे का जीवन उज्ज्वल बनाना, भविष्य उज्ज्वल बनाना। साई बाबा ने कहा जो जो बाबा के दर्शन में आया, साई क्रिया और साई ध्यान की, साई वाणी सुनी, उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसे हजारों करोड़ों भक्त मुझे हर दिन फोन करके, मेरे से मिलके, मेरे से संवाद करके, मेरे से साई वाणी की इस प्रोग्राम में आके लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को लक्ष्य रखा, और जब जीवन बदला तो हमारे जीवन की यही तो लक्ष्य है हमारा, प्रारंभ करो जारी रखो, क्योंकि प्रारंभ ही आपको पहुंचा देगा। अगर प्रारंभ कहीं नहीं करोगे कहीं भी नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन प्रारंभ करने के बाद रुकना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम 1 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं और 4 बजे सो जाते, फिर रात सुबह 10 बजे उठते, क्या फायदा।
अगर आप 3 बजे उठते हो तो 3 बजे से लेके कंटिन्यूटी के साथ जगे रहो, शाम तक 8 बजे तक सोने तक आप जगे होने चाहिए। और दोपहर कर सोने वालों को तो मैं आज कहता हूं, आलस सबसे बुरी बला है, और इसीलिए कर्म करेंगे उस तरह से आप आगे चले जाओगे। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा को आगे लेके जाओ। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से। साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की। और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saivani trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivani trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहां आए, ये बाबा की नगरी है। यहां बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो।